देखिए रशीद शेख साहब मेरे साथ 5 साल MLA रहे, वो भी कांग्रेस के MLA थे, मैं भी कांग्रेस से MLA था, और हम दोनों ने मिलकर न सिर्फ कौम के लिए, पावरलूम इंडस्ट्री के लिए, बिजली के लिए जो काम किए हैं वो एक तारीखी काम था हमारा, और आज भी लोग उस दौर को याद कर रहे हैं, चाहे भिवंडी हो, चाहे मालेगांव हो, या महाराष्ट्र का कोई भी पावरलूम का शहर हो। कल रात में मुझको खबर मिली, बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, सवेरे उठ के फजर से पहले ही हम लोग निकला है यहाँ पर, आखिरी दीदार नसीब नहीं हो सका हमें, लेकिन नमाज जनाजा में मैयत में हम लोग शामिल रहे। बहरकैफ मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, पूरी पूरी मगफरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, साथ ही उनके पसमानदगान जो हैं, और उन्होंने एक बड़ी फौज जो है अपने पीछे छोड़ी है, जो आज मैंने मैयत में जो हालात देखे ऐसा लग रहा था कि बड़ी तादाद में लोग जो है इससे दुखी हैं उनके जाने से। तो एक मुखलिस इंसान थे, सबको साथ लेने की सलाहियत उनके अंदर थी, और शहर के लिए, पूरी कौम के लिए वो काम करते रहे थे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मालेगांव शहर को और महाराष्ट्र को जो है उनके जैसा एक अच्छा मुखलिस इंसान जो है नेमुल बदल दे। आपका कल इंतकाल की खबर आई, बड़े अफसोस के और दुख से साथ बोलना पड़ रहा है कि शेख रशीद साहब 1985 से सियासत में आए, 10 सालों में सदर बल्दिया बने, 5 साल बाद MLA बन गए, 10 साल रहे, और इस दरमियान उन्होंने शहर के मसाइल को हल करते हुए सनत के मसाइल हल किए और बिजली के मसाइल जो है उनमें भी पेश रहे, एक्साइज ड्यूटी लगी हुई वो तहरीक में भी पेश रहे, गरज के इस शहर में गरीब लोगों का भी बहुत ध्यान रखा, और वो खुद गरीब थे इसलिए वो ज़ीरो से ऊपर आए थे, उनको एहसास था कि गरीब रहने में कितनी तकलीफ़ होती है, इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान रखा, और आखिरी वक्त तक उनका यही जरिया रहा कि यार मैं गरीबों के साथ रहूं, उनको साथ लेके चलूं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यार इस शहर से एक सियासी तौर से गरीबों को ध्यान रखने वाला इस दुनिया से चला गया है। मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है, ये तो सभी को जाना है, मुझे भी जाना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी मगफरत फरमाएँ और दर्जात को बुलंद फरमाएँ ऐसे, और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाएँ। शेख रशीद साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो शब्बीर सेठ से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर आया करते थे, और शब्बीर सेठ उनको बहुत मानते थे, क्योंकि मैं वहाँ उनके अखबार में एडिटर था, सिटीजन टाइम्स में, इसलिए देखता था कि शब्बीर सेठ इनकी काफ़ी हौसला अफजाई करते थे, और सदर बल्दिया बनाने में इनके बहुत बड़ा हाथ रहा शब्बीर सेठ का। इसी तरह से जब ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर MLA का इलेक्शन लड़े तो शब्बीर सेठ ने इनका साथ दिया और इनका बिल्ला लगाकर वोट मांगने के लिए निकले। इसकी पादास में शब्बीर सेठ को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त भी किया। तो इनके अंदर कोई खूबी थी जब इतने बड़े लीडर इनको सरपरस्ती करते थे, और शब्बीर सेठ हमेशा बोलते थे कि ये काम का लड़का है, और शब्बीर सेठ का एक ख्वाब था गिरना डेमी स्कीम का, जो इस शख्स ने ही पूरा किया, और मालेगांव शहर में बिजली के मसाइल, खासतौर पर पावर लूम बुनकरों को सब्सिडी देने के सिलसिले में इनकी जो कोशिशें हैं, जो भिवंडी के फैज़ान आज़मी साहब, रशीद ताहिर साहब, इनसे मिल करके पावर लूम एक्शन कमेटी के साथ इश्तराक करके रशीद साहब ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं बुनकरों के और पावर लूम के मसाइल हल करने के लिए, तो उसको उनको इस सिलसिले में भी याद किया जाता रहेगा। मैं समझता हूँ कि उनके आखरत संवारने के लिए सब जो काम हैं वो यकीनन कारामद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।